नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। जालौन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। अखिलेश के आस्था की थाली महंगी होने के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है। सपा के समय गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता और दंगइयों के हवाले थे। उत्तर प्रदेश आज यूपी विकसित और बदलता हुआ यूपी है। सपा के नेगेटिव एजेंट के रूप में नकारात्मक फैला रहे हैं। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार है। जो भी आगे परिणाम आएगा, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने कहा, अनैतिक काम, अवैध कब्जे और अराजक तत्वों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उरई के जालौन रोड पर बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय निर्माण समिति के द्वारा आज जालौन के जिला कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने सभी जिलों पर हमारे जिला कार्यालय व्यवस्थित हों, इसका प्रयास हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, नेतृत्व ने हमारे 2014 में प्रारंभ किया था। और पिछले कुछ समय से ये 3 स्थान ऐसे हैं जिनके कारण कुछ डिले हुआ है। तो जालौन का आज भूमि पूजन हुआ है, कल चित्रकूट का हुआ है और झांसी का हुआ। तो अब लगभग हमारे सभी जिला कार्यालय या तो निर्माणाधीन है या सक्रिय है। तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे विचार से काम करने वाले लोगों के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि है और हमारे संगठन के कार्य विस्तार में लोगों में हमारी उपस्थिति बने रहे, हम अपनी बात सहजता से लोगों के बीच कह सकें, ये कार्यालय हमारे लिए सहायक साबित होंगे। मेरी ओर से सभी इस जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को आज इस भूमि पूजन पर और कार्यालय की आधारशिला रखने में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है ये हाईटेक अस्पताल? अब कार्यालय का अलग अलग एस्टीमेट है और जिले में अलग अलग जिलों में, जहाँ एक जिले का कार्यालय है उसकी अलग है, कहीं जिले ऐसे हैं जहाँ महानगर हैं 2 इकाइयों का कार्यालय है, कहीं जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय भी इन्हीं के साथ, तो अलग अलग एस्टीमेट है, लेकिन बहुत अच्छे और व्यवस्थित कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने, समाजवादी पार्टी के समय कैसी अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले थे। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमके सबके सामने है। ये समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जब होता है तो किसका डीएनए किससे मैच करता है ये आप सब लोग जानते हैं। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हमारी सरकार है और हमारी सरकार पूरे, हमारी पार्टी पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें प्रचार किया और हमने प्रयास किया कि अब घर घर तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और मुझे विश्वास है कि लोगों ने आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान किया है, मैं जो भी परिणाम आएगा, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हुए और हमारी पार्टी की जो गरीब कल्याण की नीति है, अंत्योदय की नीति, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी काम है, जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अनैतिक काम कर रखे हैं, तो उनको कब्जे पर कार्रवाई जारी रहेगी, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार, जो भी विधि संबद्ध व्यवस्था है, सरकार विधि संबद्ध व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। केवल परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने अपनी सरकारों के समय अनैतिक काम करके एक पूरा माफिया राज कायम करके लोगों को अराजकता में धकेलने का काम किया। ठीक, थैंक यू।